अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो गई, लेकिन अभी राम भक्तों में अयोध्या को लेकर कई जिज्ञासाएं हैं। आखिर प्रभु श्री राम की अयोध्या 22 जनवरी के बाद कैसी होगी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका भी जवाब दिया। कहा कि अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। तो क्या अयोध्या हूबहू वैसी होगी जैसी त्रेता युग में थी, जैसी वाल्मीकि के रामायण में और तुलसी के मानस में? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आखिर कैसी होगी भविष्य की अयोध्या? क्या त्रेता युग जैसी होगी अयोध्या? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय और अलौकिक अयोध्या हूबहू वैसी जैसी त्रेता युग में थी, जैसी वाल्मीकि के रामायण और तुलसी के मानस में है, जैसी प्रभु श्री राम ने खुद बताई है। राम मंदिर के साथ ही त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए 30,000 करोड़ के 175 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अयोध्या से फैजाबाद तक चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। महान अयोध्यापुरी धन-धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2047 तक अयोध्या को नव अयोध्या बनाने का है। यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड 1400 एकड़ में रामायण थीम पर वैदिक सिटी बनाएगा। ग्रीन फील्ड टाउनशिप या वैदिक सिटी पुरानी अयोध्या से 7 किलोमीटर दूर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन के पास होगी। वैदिक सिटी में धार्मिकता के साथ आधुनिकता का संगम होगा। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रीनफील्ड टाउनशिप या वैदिक सिटी बसाएगी। 2047 तक इस सिटी को बसाने का टारगेट रखा गया है। ग्रीनफील्ड सिटी को 1400 एकड़ में दो फेज में बसाया जाएगा। वैदिक सिटी अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे के दोनों ओर होगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ का बजट रिलीज किया। रामायण काल के वैदिक आर्किटेक्चर वैदिक सिटी में बनाए जाएंगे। बिजली की 70% जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी की जाएगी। वैदिक सिटी के लिए 540 एकड़ जमीन सरयू किनारे बसे गांव माझा, तिहुरा माझा, माझा बरहटा और शाहने वाजपुर से ली गई है। अयोध्या में नए कॉन्सेप्ट के तहत शहर के अंदर नया शहर बसाया जा रहा है। इसमें पहले से ही तय होगा कि कितने एरिया में ग्रीनरी होगी, कहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी। नव अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने शहर से बिल्कुल अलग होगा। नए शहर में सिर्फ स्टेट गेस्ट हाउस ही नहीं, 80 देशों के धार्मिक दूतावास भी होंगे। आर्टिफिशियल झील से लेकर मठ, आश्रम, कॉटेज और 5-स्टार होटल होंगे। मठों और आश्रमों के लिए 55 एकड़ जमीन मिलेगी। बाहरी देशों के गेस्ट हाउस के लिए 60 एकड़ जमीन दी गई है। टाउनशिप में एक ऊंचा टावर भी बनेगा, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर का वहां से दर्शन कर सकेंगे।
अब तक न्यू अयोध्या टाउनशिप में नेपाल, श्रीलंका और साउथ कोरिया ने अपने गेस्ट हाउस के लिए 5 एकड़ जमीन मांगी है। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ग्रैंड अयोध्या के निर्माण का प्लान किया गया है। अगले 23 साल में अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्लान है। मंदिर बनने के बाद शहर में लोगों का फुटफॉल तेजी से बढ़ेगा। भीड़ को मैनेज करने के लिए सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। बाहर से आने वाली सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 500 सालों बाद अयोध्या में श्री राम का आगमन हो रहा है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में उभर रही है। त्रेता युग की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे, हम सब इसका आनंद लेंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु राम का जीवन एक ही संदेश देता है, धैर्य और संयम के साथ मर्यादित आचरण करना, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है, पूरी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। अयोध्या के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले रामपथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ बनाए गए हैं, जो अत्याधुनिक ट्रैफिक सिस्टम से लेस है। 4 स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद शहर में आने वाले वाहनों के लिए 37.08 करोड़ रुपए की लागत से 4 मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है। ये मल्टीलेवल पार्किंग अमीनागंज, कॉशलेस कुंज, कलेक्ट्रेट और टेढ़ी बाजार में है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। इसके लिए 70 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड बन रहा है। 3,935 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये सड़क यूपी के 3 जिले अयोध्या, बस्ती और गोंडा से गुजरेगी। रिंग रोड बनने के बाद अयोध्या आने वाला ट्रैफिक पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ होगा। इस रिंग रोड का बजट 3,935 करोड़ रुपए है। रिंग रोड साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये यूपी के 3 जिले अयोध्या, बस्ती और गोंडा से गुजरेगा। रिंग रोड पर 11 बड़े और 12 छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे। 4 जगह रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे। अयोध्या के 36, गोंडा के 11 और बस्ती के 13 गांव की जमीनें ली जाएंगी। अयोध्या के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को बरकरार रखने के लिए पुराने मठ और धर्मशालाओं का रिनोवेशन हो रहा है। सरयू किनारे पुराने घाटों का रिनोवेशन हो रहा है। राम की पैड़ी पर विजिटर्स गैलरी, राम की पैड़ी से राजघाट तक और राजघाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक श्रद्धालु भ्रमण पथ बनाया जा रहा है। गुप्ताचार घाट और जटायु क्रूज की रिपेयरिंग और सजावट का काम चल रहा है। जल्द ही इसे राम की पैड़ी तक लाया जाएगा। लक्ष्मण पथ बनाया जा रहा है। 4 लेन की ये सड़क करीब 12 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी चौड़ाई 18 मीटर रहेगी। इसे बनाने में 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 6 जनवरी को यहां से दिल्ली के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू हो गई है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार श्री राम मंदिर में तैयार किए वास्तुकला को दर्शाता है।